नहीं भाई नीचे भी नहीं है। अब अंडा कहाँ है? मुझे लग रहा है था दोस्तों ये अंडा खा गए। दोस्तों हमारी गलवा मादी जो है वो अंडा देने वाली है। लाइव कमेंट्री, अरे दे दिया अंडा, वो देखें लाइव दिया सामने। सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ दोस्तों, क्योंकि नहा धो कर आज आया हूँ ऊपर, तो सारे देखें ढके में और सेटिंग भी दिखा दूँ। मैंने बोला यार आप लोगों को डायरेक्ट, तो दोस्तों ये सेटिंग देखें ऐसी हुई है कुछ। और ये पर्दा एक हमारे पास पड़ा हुआ था, काफ़ी मोटा है तो ठंड भी आ रही है, तो इस वजह से हमने इनके लिए ये निकाल लिया और इन पर तरीके से ढक दिया। पीछे से पूरे कवर्ड हो गए, आगे से हम सर्दियों में कर देंगे। बाकी सारे ढके में सब बंद हैं, सिर्फ इन लोगों ने अपना शायद ये हटा दिया हुआ है कपड़ा। बाकी दोस्तों कल आप लोगों को याद होगा हमने जो है अपने स्पीकर के नीचे अंडा जो रखा था वो उसने तोड़ दिया था मार के चोंच, तो हल्का फुल्का टूटा था वो, बिल्कुल क्रैक आया था। लेकिन ये था कि अंडा फ़ायदेमंद नहीं था, फिर वो ख़राब ही होता और खाने का मुझे पता नहीं था कि मैंने पहले आपको बताया कि इतना मेरे को इसके बारे में नहीं था। खैर दोस्तों तो वो अंडा ना हमने क्या करा हमज़ा और मैंने कि उसे शाम के अंदर ना इसके नीचे रख दिया अंदर प्याले में, तो ये जाके बैठ गई थी। तो शाम में हम रखते फिर नीचे आ रहे थे, मगरिब का टाइम था, सबको बंद करके खाना दाना पानी करके। तो अब मैंने बोला यार आते ही सबसे पहले इसका अंडा देखते हैं कि ये बैठी हुई है और कैसे क्या कहते हैं, तो चेक करते हैं पहले। दोस्तों यहाँ अबे अंडा कहाँ है? यहाँ पे रखा था अंडा इसका और इस तरफ रखा था यार। इधर अंडा कहाँ है तुम्हारा? कोने होने पर कहीं डाल दिया होगा। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, उसके पीछे होगा थोड़ी जगह था। नहीं भाई नीचे भी नहीं है। अब अंडा कहाँ है यार? इसके नीचे भी नहीं है दोस्तों, यहाँ भी नहीं है, पूरे पिंजरे में कहीं भी नहीं है अंडा। तो अंडा कहाँ गया अंडा? मुझे लग रहा है था दोस्तों ये अंडा खा गया, या तो मादी ने खाया है या फिर नर ने खाया है। 100% इनमें से किसी एक ने अंडा खाया है, क्योंकि अंडा जो पहली वो क्रैक हो गया था ये बैठ तो गई थी। यार अंडा ही खा गए अपना। अच्छा मैंने हमदा को बोला भी था दोस्तों कि यार ये ना हो कि वापसी खा जाए, वो ऐसे बैठी ना वापसी जाके अंडे पे, तो हमदा ने बोला नहीं यार वैसे भी अंडा जाया तो होगा तो रख ही देते हैं, क्या पता बैठ जाए। और ये वापसी में बैठ गई थी, तकरीबन हमने उसके आधे घंटे तक इसको देखते रहे, बैठी रही, तो हमने बोला शायद अब बैठ जाएगी, लेकिन यार अंडा ही खा गए अपना भाई साहब। तो इनसे बाकी अंडे भी बचाने पड़ेंगे दोस्तों, ये तो अंडे ही खाते रहेंगे अपनी। चलो समझ तो आ गया, पता तो चल गया कि अंडे खाए हैं, ऐसे इनको देख के रखना ना अंडे ही खा जाएंगे। चलें दोस्तों मैं इन सारों को खोल दूं पहले, यार देर हो चुकी है और रोटी भिगी भी रख के चला गया था मैं कल ही, तो आज इनको ये रोटी ही देते हैं और जल्दी जल्दी पहले इनको मैं खोल दूं सबको फिर। A few moments later. तो दोस्तों हमने जो है हीरा के साथ जितनी भी मादियाँ उन सबको छोड़ के खिला पिला दिया। ये जो है इसकी वही जो इसके साथ रहती है और एक ये रही बाहर, ये काफ़ी मेरे से डर रही है पता नहीं क्यों भाई। बाकी गलवा को भी खिला दिया, गलवा ये रही इसको भी खिला दिया और इसे भी खिला दिया अपनी जो गंजी मुर्गी थी। यार ये अभी भी कुड़क टाइप की है, हल्की हल्की मेरे को कुड़क लग रही है, ये देखें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये देखें अभी भी मतलब काटने की कर रही है, ये देखें अभी भी इसमें कुड़कपना है, तो देखते हैं कब तक रहता है और इसका कुड़कपना कब तक जाता है। बाकी दोस्तों हमारी मिस्री मुर्गी अंडों पे फुल आ गई है, ये देखें इसका एक और अंडा आ गया। जब मैंने इनको हटाया पूरा इनका जो कपड़ा ढका हुआ था तो यहाँ पे पड़ा हुआ, ये शुक्र है कि ये लोग तोड़ते नहीं है अंडे, ये इनमें अच्छी बात है, वरना अंडा पता नहीं कब का दिया हुआ होगा इसने, क्योंकि देर हो गई है काफ़ी दिए हुए, हो सकता है सुबह ही दे दिया हो। अब दोस्त एक काम करते हैं यार, अब मैं इनको बंद कर रहा हूँ, अब हम अपने कंदारी और इनको खोल के यहाँ पे खिला पिला देते हैं ताकि ये खा लें, तो फिर हम बाकियों को बेचारों को खोलें क्योंकि वो भी रहते हैं। अब थोड़ी सी मेरी ड्यूटी डबल हो गई है। ये देखें दोस्तों मैं खुला छोड़ के भूल गया हूँ ना, तो इतना होशियार है पीछे तो जाके वहाँ से नहीं खा रहा जबकि वहाँ पड़ा हुआ सारा दाना रोटी सब भीगी वाली, क्योंकि वहाँ खाएगा जाके फौरन मेरी नाम मुझे थी ना फ़ायदा उठाते हैं, मैं वहाँ पे कुछ काम कर रहा था, मैंने अभी जाके इसको देखा, वो देखें कितना मज़े से खा रहा है, बड़े होशियार हैं। खैर दोस्तों इन सबको खोल दिया यार, और बाकी जो हमारे हीरा के जो असील है ना और ये कंदारी और असील उनको अंदर डाल दिया मैंने खाना दाना पानी, क्योंकि पहले भी ऐसे लड़ चुके हैं और दाना पानी जो है ना ये अंदर ही खा रहे हैं, बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं खा रहे। फिक्स कर दिया अपनी जगह पे, हाँ देख लेना। चलो बाय। तो दोस्तों नीचे जो है मोटर वाले भाई आए हैं, हमारी मोटर दरअसल ख़राब हो गई थी, 2 से 3 दिन से हम नोटिस कर रहे हैं पानी चढ़ा ही नहीं रही है, तो इस वजह से उन्हें बुलाया था। तो मैंने लगे हाथों भाई को बुलाया यार एक काम और भी है वो भी करा लेते हैं, तो वो काम जो था हमारा था वो इसका। दोस्तों ये देख रहे हैं
ये हमने लगवाना था भाई से पाइप और ये लग गया सुकून से। उन्होंने मतलब ये इस जगह पे घुमा के लगा दिया। पहले यहाँ लगा हुआ था तो हमारे गीजर की इसने देखें क्या हालत करी है, हशर नशर पूरा करके रख दिया। अब ये यहाँ लग गया दोस्तों, तो इससे ये फ़ायदा है हमारे को कि अब जो मुझे भारी भारी केन नीचे से भर के लाने पड़ते थे ना, वो नहीं लाने पड़ेंगे। अब मैं ऊपर ही इनका दाना पानी धो धुला के वहाँ पे ही सारा कर दिया करूँगा आराम से, और वहीं नाली है तो वहीं पानी आनी सब फेंका सुकून से इनका, अब आराम से हो जाया करेगा। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरी ख्वारी नहीं लगेगी जो पानी की ख्वारी लगती थी। ये कहाँ गए केन, पीछे पड़े हैं, तो भारी भारी केन मुझे उठा के लाने पड़ते थे। अब ये ख्वारी नहीं है इनकी, यहाँ से कटोरियाँ निकाली सबकी धोई सुकून से पानी वानी इनको दे दिया करेंगे। तो खैर भाई का बहुत शुक्रिया यार, उन्होंने ये काम बहुत अच्छा करवा दिया। क्या हो गया क्या हो गया, बस पागल हो गया चाचा, अजीब पागल वाली हरकतें कर रहा है दोस्तों। ये ना यहाँ छलांगे मार मार के जा रहा, देखें इसके फिर दर्द हो गया। तो मैं खड़ा हूँ, मैंने देख लिया तो इसने जो है यहाँ तक फ्लाई करा है और हमारे हीरा से लड़ने की कर रही हैं। इतना मारेगा ना, याद रखोगी, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, लड़ने पे तुला पड़ा उनसे। खैर दोस्तों मैं अभी हिसाब लगा रहा था कि हमने जो बक्का अंडा इसके नीचे रखा था उसको तकरीबन 6 दिन हो गए, क्योंकि हमने 3 अक्टूबर को रखा है और आज 10 अक्टूबर है, तो आप लगा लें 6 दिन हो गए। बस 21 दिन का ही प्रोसेस होता है यार, ये बैठा रहे, बस ये बैठ ही रहे और बैठा रहे, अगर ये नहीं बैठे तो यार अंडा ख़राब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा तमाम। चलो यार आ जाओ, आज तुम लोग बाहर आ जाओ, काफ़ी दिनों बाद आओगे। दोस्तों हमारे जिसकी टांग टूटी हुई थी आप लोगों को याद होगा, टूटी हुई क्या थी मतलब थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, चल नहीं पा रहा था, वो इनमें से ही एक बच्चा है, एक ऑरेंज था ना, कहाँ गया वो, आई थिंक ये नहीं, हाँ वो रहा, वो वाला है दोस्तों। तो माशाल्लाह से वो नहीं, ये वाला है, इसकी टांग सही हो गई है, देखें माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है और चल फिर रहा है, सुकून से चल रहा है। देखें इन्हीं में हमने मिक्स कर दिया उसे वापसी, और मिक्स इसलिए करना पड़ा क्योंकि पिंजरों की हमारे पास तादाद कम पड़ रही थी, तो इस वजह से हमें खाने जो थे उसके अंदर ये मुर्गी आ गई, एक में वो आ गई, तो इस वजह से उनको नीचे इनके साथ फिक्स कर दिया। तो हमदा भी सेटअप पर आ गया है, ऊपर ही नहा धोकर आएंगे भाई साहब, और मेरी हालत देखें क्या हो रही है, नहाया धोया पूरा हो गया हूँ। खैर कंदारी बच्चे खोले, हमदा तूने खोले, तो इनको इनके साथ क्यों नहीं रखा वाला, क्यों छोड़ा हुआ, छोड़ो यार साथ, ये डरते बहुत हैं पता नहीं क्यों, सारे खुले पड़े हैं। चलो बेटा तुम लोगों के बंद होने का टाइम आ गया, चलो बड़े भैया छुटे डाओ ना, चलो ना, दोस्तों ना। हमारे जो लुटीनो है ना वो देखें, अब मैं करीब नहीं जा रहा क्योंकि अब मेरे को भाई डर लगने लगा, ये देखें मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे जाऊँ, ये रही माता उसकी, पता नहीं दिख रही आप लोगों को, हांडी में बैठी हुई है। तो भाई दुआ तो ये है कि इसका दोस्तों अंडे दे दे, फिर इसका आज मैं जाऊंगा और देखूं दुकान पे जाके बर्ड शॉप पे, और इसका नेस्टिंग मटेरियल इसको देते हैं ताकि यार ये अंडे दे दे, और ज़्यादा बैठ रही है अभी माशाल्लाह से, अच्छी बात है अंडी में बैठी तो सही है एटलीस्ट, और ये पता चल जाएगा इससे अगर इसने अंडे दे दिए तो शुक्र है कि कन्फर्म पेयर है। दोस्तों हमारी गलवा मादी जो है वो अंडा देने वाली हैं, लाइव कमेंट्री, अरे दे दिया अंडा वो, देखें लाइव दिया सामने अंडा देख के क्या बात में शर्माने वाली बात थोड़ी है, ये लोग शर्मा रहे हैं दोस्तों के अंडा दिखा रहे हो देते हुए, क्या हो गया आप भाई, देती है नेचुरल चीज़ है, वही अंडा खाते नहीं है हम, इसमें शर्माने वाली बात नहीं होती है। अंडा ये निकाल लो, निकालने दे भाई, आ गई भाई अंडा आ गया, ये लाइव अंडा आप लोगों के सामने आया है, गरम गरम अंडा हो रहा है। वैसे जब से दोस्तों हमारे कंदारी और असील छत पे आए ना, सुकून में रहते हैं, देखें ये रहे हमारे वो असील और ये हो गए कंदारी, देखें नहा रहे हैं अपनी जगह पे, सुकून हो गया है नीचे के सेटअप से, बहुत अच्छा सेटअप हो गया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल गर्मी शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।